हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ खेत में चाय देने के लिए। हमारे यहाँ पर 10 बजे की चाय कंपलसरी होती है, तो पापा मम्मी, बड़े पापा बड़े मम्मी सब खेत में, तो उनके लिए मैं चाय लेकर जा रही हूँ। अभी ग्रास निकालना का काम चल रहा है खेत में। मम्मी यहीं पर है और पापा शायद दूसरे खेत में होंगे। मेरे साथ है देवम और ये रहे मम्मी, और हम अभी जा रहे हैं दूसरे खेत में, क्योंकि पापा मम्मी, पापा बड़े पापा और बड़ी मम्मी दूसरे खेत में होंगे, तो वहीं पर जा रहे हैं अभी। मौसम काफी अच्छा है, पवन बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही। अभी काफी दिन हो गए, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि सभी जो फसल है उसको धूप की जरूरत होती है। अगर धूप नहीं आएगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कीटक आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ज्यादा पवन की वजह से डंपिंग किस तरह से हो गए हैं। तो यहाँ पर है पापा, देवम, बड़े पापा और बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी है, वो चाय दे रही है सबको, क्योंकि वहाँ पर मैं मम्मी के पास नहीं गई थी, मम्मी चाय नहीं पीते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं यहीं पर आई हूँ। पापा डंपिंग में थे और बड़े पापा और बड़ी मम्मी यहीं पर कपास में ग्रास निकाल रहे थे, तो पीछे की ओर देख रहे हैं कि वहीं पर डंपस्ट्री के तो सब साथ मिलकर यहाँ पर चाय पी रहे हैं अभी। और मैं रिटर्न में मम्मी के पास जाऊंगी, अभी नहीं गई थी मैं, क्योंकि मम्मी चाय नहीं पीते हैं इसलिए। और यहाँ पर है कपास और यहीं पास में है अनार। यहाँ पर देखिए, अभी अनार की कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए, अभी अनार की कटिंग करना है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग चल रही है। अभी ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह की कटिंग करनी है। तो अभी ये पेड़ की जो कटिंग हो रही है वो डेमो है अभी, उसके बाद तय होगा कि किस तरह की पूरे जो अनार की फसल है उसमें कटिंग करनी है। तो अभी यहाँ पर बड़े पापा पापा हैं और कटिंग करने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आए हुए हैं। ये हमसे नहीं होती है कटिंग, उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हम बुलाते हैं कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए, ये वाला जो पेड़ है उसमें, और ये अभी कटिंग हुआ है, उसमें काफ़ी चेंज आ गया है, क्योंकि कटिंग करने के बिना अभी अनार में फसल नहीं आती है, इसलिए कटिंग करना कंपलसरी होता है। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो पुराना है, पिछले साल का है, और पिछले साल किस तरह से थे हमारे अनार, और इस साल तो पूरे साल बिल्कुल भी सेटिंग ही नहीं आई थी अनार की, लेकिन पिछले साल काफी अच्छे थे। लेकिन जब फसल बीजने का टाइम आया था तब लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, तो सारे अनार इस तरह से हमें बाहर की ओर फेंकने पड़े थे, और इस साल तो पूरे साल अनार आए नहीं थे। यहाँ पर देवम है, वो अनार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनार टूट नहीं रहा है देवम से। और ये ठंडी की सीज़न का है, तो ठंडी में अनार है उसमें दरारें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अनार में काफ़ी बड़ी दरार आ गई है, लेकिन देवम से टूट नहीं रहा है। दोनों हाथ से ज़ोरों से वो काफ़ी ताकत लग रहा था, लेकिन उनसे नहीं टूट रहा था। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है इवनिंग में काउ मिल्किंग का टाइम और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर गायों के पास काउ मिल्किंग करने के लिए। अगर आप कोई भी काम है वो एक दिन ना करें तो चलता है, लेकिन ये काउ मिल्किंग का काम है वो आपको सुबह शाम टाइम संभालना ही होता है। हम कहीं भी जाए लेकिन ये टाइम हमें संभालना है।